खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के हाथों किया गया पुरस्कृत। पेटरवार स्थित प्लस टू हाई स्कूल पेटरवार में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को गोमिया के नव निर्वाचित विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के हाथों पुरस्कृत किया गया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल गोमिया विधायक श्री महतो ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए खेल कूद भी अति आवश्यक है। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती के साथ पेटरवार संवाददाता निखिल निषाद की रिपोर्ट। जरूरी पढ़ना लिखना है, उतना ही जरूरी खेलकूद भी है। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए खेलकूद बहुत ही जरूरी है। पहले एक समय हुआ करता था जब हम लोग पढ़ते लिखते थे, उस समय हम लोग जो दादा हुआ करते थे, दादी हुए करते थे, जो हम लोगों के गार्जियन हुआ करते थे, वो कहा करते थे, उस समय एक कहावत हुआ करता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये गांव देहात में हम लोगों के अग्रह पूर्वजों में ये था, प्रभाव था, सभी जगह चलता था। आज ठीक उसका विपरीत स्थिति है। आज विपरीत स्थिति है कि आज ये समय की आवश्यकता है, समय की मांग है कि आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी आपको मेहनत करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके चारित्रिक विकास के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना चाहिए होगा। ठीक है, हर एक विद्यालय को बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका चारित्रिक विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में भी ध्यान दिया जाए। और निश्चित रूप से ये विद्यालय ये काम कर रहा है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अभी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें यहाँ के छात्र छात्रा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए। मेरी कामना है कि ये छात्र आगे भी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करें, ये मेरी कामना है।